सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर देवेश रंजन त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, यूपी रांची टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। अवर फर्स्ट सब्जेक्ट इज MBA 1.1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन अवर लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंस, नीड, स्कोप, डिटेल्स, व्हाट इज मैनेजमेंट। देन आई हैव डिस्कस्ड द मैनेजमेंट एनवायरनमेंट इन विच आई हैव ट्राई टू आउटलाइन 4P, 7P एंड 4M। लाइकवाइज आई वॉज ऑल्सो डिस्कस whether management is art or science. As you know, I always try to discuss in bi language just to shake off the learners who are coming from Hindi belt. Now today I'll again start with just little introduction of management is an art or management is a science. Don't forget that it is block 1, unit 1. जैसा कि हमने पुराने लेक्चर में आपको बताया था कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, इस बारे में बड़ा ही कन्फ्यूजन चलता रहता है। There is a lot of controversies between these two terms. लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कोई भी चीज़ ना ही पूरा विज्ञान होती है ना ही पूरी कला होती है। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट साइंस और आर्ट का बहुत ही मिला जुला स्वरूप है, ऐसी बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। साइंस क्यों है, किन कारणों से साइंस है, क्यों विज्ञान मानते हैं? पहला कारण उसका है एडवांस बाय नॉलेज। मैनेजमेंट एवरी डे समथिंग न्यू इज हैपनिंग इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट एंड वी ट्राई टू अपडेट अवर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ डेटा, फॉर्मूला, टेबल्स, एसेट्रा एंड एसेट्रा। दैट्स व्हाई दिस इज फर्स्ट पिलर। ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। सेकेंड वन, वी यूज्ड सो मैनी फार्मूलाज, tables, softwares to predict the final output. So prediction is always a part of science. So we can say this one is second pillar of science. Third one, we can measure the output of management. So when we talk about the measurement, then measurements again indicated that management is science. Impresses. Last, proofs. We have to give the proven records to our top management and middle management, whatever we did in the area of management. On the basis of these five pillars, we can say management is a science. On the other hand, management is art also. Why it is art? It is advancement by practices. Day-to-day practice will improve your efficiency, your morale, your practice in that particular specialized area. जितना भी आप किसी कार्य को करते जाएंगे, articulation आपका बढ़ता जाएगा, आप उतने नए विभिन्न प्रकारों से उस कार्य को संपन्न करेंगे। दूसरा, गेस। आर्ट क्यों, कला क्यों? क्योंकि यहाँ गेस भी चलता है। थर्ड वन, ओपिनियन एक्सप्रेसेस एंड लास्ट फील्स। इफ यू सी लास्ट थ्री पॉइंट्स, ओपिनियन, एक्सप्रेस एंड फील्स, यू क्लियरली अंडरस्टैंड यस इट इज एन आर्ट। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इन इंडिया, जब भी हम भारतवर्ष में बात करते हैं
तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ साइंस का जो एक अद्भुत मॉडल है परमाणु बिजली घर, उसका उद्घाटन भी हम नारियल फोड़ के करते हैं। एक तरफ साइंस जो हमको न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, 100% साइंस, प्रूवन साइंस, प्योर साइंस, और दूसरी तरफ हमारा बिलीफ, विश्वास, संस्कृति कि नारियल फोड़ के कोई कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए कितना अद्भुत मिश्रण है ये हमारा आर्ट और साइंस का। दस साइंस एंड आर्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड्स ऑफ नॉलेज। साइंस डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट्स, आर्ट क्रिएट्स एंड मोटिवेट्स। इफेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ एनी आर्ट रिक्वायर्स अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस अंडरलाइंग इट। हाउएवर साइंस एंड आर्ट नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। Executives who attempt to manage without the conceptual understanding of the management principles and techniques have to depend on luck and intuition only. आप जानते हैं कि भारतवर्ष में व्यापार का एक प्रकार है family business, और family business में प्रायः आप ये पाएंगे कि वहाँ science की कोई tool technique नहीं लगी है। पुराने अनुभवों के आधार पे एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अपना व्यापार देती चली जाती है और वो चलता है। ऐसा प्रायः हम छोटे दुकानदारों में भी ऐसा देखते हैं, जहाँ पे आर्टिकुलेशन ज़्यादा है, साइंस, प्रूवन साइंस की प्रैक्टिस बहुत कम है। हेंस विद साउंड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज एंड द नेसेसरी स्किल्स टू यूज सच नॉलेज दे हैव अ बेटर चांस टू सक्सीड। जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, especially after the LPG era, science का रोल बढ़ता जा रहा है। एक कंपनी दूसरी कंपनी से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है। इसलिए आज का युग जहां हम कॉम्पिटिटिव एज एक दूसरे को दे रहे हैं, मैनेजमेंट आर्ट से ज़्यादा साइंस बन चुका है। Therefore, we can conclude that management is both a science एंड आर्ट। मैं समझता हूँ आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि मैनेजमेंट हमारा साइंस भी है, आर्ट भी है, और दोनों को ही अगर हम लेके चलेंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में देखने को मिल सकता है। इसके बाद जैसा कि हमने इसी ब्लॉक वन की यूनिट वन में डिस्कस किया था मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, आज हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या हैं, व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की परिभाषा समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन ये मैनेजमेंट एक्चुअली होगा कैसे, क्या चीज़ें इसमें हम करेंगे जिसके माध्यम से हम एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वास्तव में अगर आप ये एलिमेंट्स देखें, अगर आप स्क्रीन पर, तो एक फॉर्मूले के रूप में आपको ये दिखेगा पोस्ड कॉर्प, POSDC, तत्पश्चात CO, देन RNB, पोस्ट कॉर्प। यूँ तो ये फार्मूला लूथर गुलिक जी ने दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ये मैनेजमेंट की फील्ड में भी बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आपका ये जो विषय है MBA 1.1, ये पूरा का पूरा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। आपकी आगे आने वाले जो ब्लॉक हैं, जो यूनिट हैं, वो पूरे के पूरे इन्हीं पे डिपेंड हैं, जहाँ आप पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, पूरी एक डेडिकेटेड यूनिट इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी कंट्रोलिंग, CO कोऑर्डिनेशन, आर रिक्रूटिंग, बी बजटिंग। एक मैनेजर के रूप में आपको इतने ही कोर वर्क करने पड़ते हैं। प्लानिंग के अंतर्गत यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू एंड व्हेन टू डू।
कब करें, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, कौन करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम प्लानिंग के अंतर्गत, योजना, ये योजना लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, इसका डिटेल हम आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, जिस चीज़ों का निर्धारण हम प्लानिंग के अंतर्गत करते हैं उनको सही समय पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अर्थात सही व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ, अपनी भूमिका के साथ उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये चीज़ों को हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्रोसेस हैं, ये पूरा आपको आगे यूनिट में दिखेगा। स्टाफिंग, मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण, हर कार्य के लिए आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू डिप्यूट मैन पावर, मे बी दे आर स्किल्ड और दे आर नॉट स्किल्ड, बट यू हैव टू प्लान हाउ मच मैन पावर यू नीडेड, व्हेन यू वांट टू एम्प्लॉय देम, हाउ यू विल ट्रेन देम, आइदर यू विल गिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, एंड हाउ यू विल प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब, ऑल दीज थिंग्स विल लिस्ट एंड विल डिस्कस इन द यूनिट ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग, द मोटो ऑफ दिस एलिमेंट डायरेक्टिंग इज टू गिव द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्री डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव विच इज सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट टू अचीव द प्री डिजायर्ड गोल, सो दैट यू कैन अचीव योर फाइनल आउटपुट विद इन टाइम फ्रेम एंड विद एडिक्वेट प्रॉफिट्स। नेक्स्ट वन, सीओ कोऑर्डिनेशन, वन ऑफ द when we discuss the functions of manager, a manager has to coordinate. Coordinate for what? Coordinate between the top management and the workers, coordinate for available resources, coordinates among the departments, among the units, coordinates to optimize the maximum resources for various works. Therefore, this coordination unit is also very important, and you will see so many techniques of coordination in that particular unit. Recruiting, the way you are going to select your manpower, either there is so many recruiting sources and processes by which you can got the skilled or non-skilled best manpower out of the industry which is available for you. So this unit will reflect how you will recruit your desired manpower. And the last one is budgeting. In budget, what is coming, what is going in the form of money, because without this, you cannot achieve anything. Budget, as I have already discussed in last lecture, budget is blood, money is blood. If you not decide the proper budget, you cannot do anything. Your incoming, outgoing flow of the money will disturb. So budgeting in a nowadays, when the digital era is working, budgeting is very, very important and crucial unit to understand. In this particular unit, you will get the knowledge about the types of budget on the basis of flow of money, on the basis of time, on the basis of your target requirements. So, learners, these are the elements of process of management. Concept samjha, process samjha, kya karna hota hai management mein. अल्टीमेटली मैनेजमेंट में हमें इन प्रोसेसेस का, इन एलिमेंट्स का इम्प्लीमेंट करना होता है टू अचीव द फाइनल आउटपुट। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी यूनिट में बताई गई है, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, मैं जितनी भी बातें आपसे कर रहा हूँ ये आपके SLM में दी हुई हैं, जो आपके SLM में दिया है उन्हीं में से हम आपसे आज चर्चा कर रहे हैं।
बड़ा कन्फ्यूजन इन दो शब्द में भी होता है, वेदर वट इज मैनेजमेंट वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसमें थोड़ा सा सिनोनिमस भी कभी कभी यूज होता है, लेकिन चूंकि हम मैनेजमेंट के छात्र हैं, मैनेजमेंट के लर्नर्स हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन इन हिस्ट्री विच इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉरपोरेट पॉलिसी, द कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज द कंपास ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग देयर बाय डिसाइडिंग विच डायरेक्शन टू कंपनी शुड मूव। एडमिनिस्ट्रेशन इज द अल्टीमेट कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर यू जस्ट थिंक अबाउट दिस लाइन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द अल्टीमेट कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स मैनेजमेंट इज ट्राई टू सेट समथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू अचीव दैट। दिस लाइन क्लियरली एम्फसाइजिंग ऑन दैट। प्रबंध का काम उद्देश्यों का निर्धारण है, नीतियों का निर्धारण है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको सफल ढंग से क्रियान्वित कराना, जिससे कि निर्धारित उद्देश्यों को एक सफल, बहुत ही सफलता से हम प्राप्त कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंस व्हाट इज टू बी डन, इन अदर वर्ड्स द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड मेक्स एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स फॉर द attainment of these goals. On the other hand, administration is concerned with the overall determination of policies and major activities with the help of different layers of managers for non-managerial personals. Now, what is management? Management is a function which is concerned with the execution of policy, with the limits set up by the administration and employment of the organization for the particular object set by the organization. On the analysis is of the above discussion in this regard, three conclusions can be drawn. आपने management और administration की जो अभी परिभाषा देखी, जो एक analyze किया हमने, उसमें बिल्कुल clear cut administration क्या है और management क्या है ये आपको बताया गया। लेकिन इस एनालिसिस से हमें बिल्कुल क्लियर कट तीन पॉइंट्स आपके सामने आते हैं। नंबर वन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट फंक्शंस। जो भी लोग मैनेजमेंट की जगह एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक अलग प्रकार का फंक्शन है और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग प्रकार का फंक्शन है। नंबर टू, मैनेजमेंट एज ए जेनरिक टर्म इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ बहुत क्लियर कहा गया है, मैनेजमेंट एज ए जेनरिक टर्म, मैनेजमेंट एक अम्ब्रेला है जिसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आता है। कई बार वाइवावोसी के दौरान आप कहीं जाते हैं कॉरपोरेट में इंटरव्यूज देने के लिए, तो केवल इसी लाइन पे आपको फंसाया जाता है, आपसे पूछा जाता है, आपकी नॉलेज चेक की जाती है कि मैनेजमेंट के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मैनेजमेंट है। सो नाउ इट्स वेरी क्लियर, मैनेजमेंट एज अ जेनरिक टर्म इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द थर्ड वन इज, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। सेम कॉइन एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ये दोनों पहलू हैं। मैनेजमेंट है तो एडमिनिस्ट्रेशन आना ही आना है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है जिसने पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स एसेट्रा एसेट्रा का निर्धारण किया गया है, जिसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। बहुत ही संक्षिप्त और सरल उदाहरण आपको देना चाहूँगा। मैंने पहले भी ये कहा है कि मैनेजमेंट कोई कठिन प्रक्रिया, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट नहीं है। मैनेजमेंट वो है जो हमारे आपके आसपास चारों ओर हो रहा है, केवल हमें उसे देखने की ज़रूरत है।
और आप सब चूंकि प्रैक्टिस मैनेजर्स हैं, कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं, आप घर में भी हैं, बाहर में भी हैं, व्यापार में भी हैं, देख रहे हैं, कैसे क्या मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण हम अपने घरों में भी देख सकते हैं, हम अपने प्रदेश की सरकारों में भी देख सकते हैं, भारत सरकार कैसे करती है वहाँ भी देख सकते हैं, और हमारे व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशंस कैसे करते हैं वो भी देख सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। Does the word management and administration are often taken to be synonymous, but strictly speaking, these words differ from each other and are not interchangeable. Let's define distinctions between management and administrative on various bases. ये आपने देखा, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही अलग अलग विधाएं हैं। किस आधार पे हम इनमें अंतर कर सकते हैं? प्रायः आपके एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन वेरियस बेसिस। तो वो क्या आधार हैं जिन पे हम इनको अंतर कर सकते हैं? देखिए, नंबर वन, एप्लीकेशन, व्यवहारिकता, कैसे क्रियात्मकता उसकी क्या है, कार्य कैसे करता है। मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन टू बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, ऑन द अदर हैंड एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट ऑफिस, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल, रिलीजियस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू। नंबर टू, नेचर ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न मेनली विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। On the other hand, management puts the policies and plan into action laid down by administration. Number three, decision making. Management takes routine decisions. Their decisions are affected by organizational consideration, while important decisions are made by the administration. These decisions are affected by government policies, public opinions, and social factors. Number four basis is executive control. Management is a general name for the total process of executive control in industry or business. It has responsibility for the effective planning and execution of operations of the enterprise. On other hand, administration is responsible for overall determination of policies एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चार आप बेसिक पिलर्स देख रहे हैं जिनके आधार पर हम अंतर कर रहे हैं, एप्लीकेशन, नेचर ऑफ वर्क, डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, इनमें प्रबंध और एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका बिल्कुल आप अलग अलग देख रहे हैं। नाउ एबिलिटी, मैनेजमेंट रिक्वायर्स टेक्निकल एबिलिटी मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, वाइल एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स administrative abilities, expansion of functions. Management functions contract at the upper level and expand at the lower levels, but administrative functions expand at the upper level and mitigate in importance at the lower levels. Next pillar is coordination and control. Management uses organization for the achievement of the target fixed by administration, while administration coordinates finance, production, and distribution. It frames the organization structure and exercises control over the enterprise. Static versus dynamic. It is also one of the very important bases on which we can differentiate management and administration. Management is a dynamic and infinite and is especially concerned with giving added value to the inputs. It endeavors to improve the value of the resources entrusted to it and as such is productive in character. While administration is also dynamic and has to perform in the development of enterprise. Next basis is direction of human efforts. Management is mainly concerned with the direction of human efforts in the execution of the plan and policy, while administration is not actively concerned
with the direction of human efforts in the execution of the plan or policy. Next, if we talk about the importance, management is more important at supervisory or lower levels. On the other hand, administration is more important at higher levels of management. These lines are very important and very helpful to perform your managerial activities in the organization, because top level management, middle level management, lower level management, and supervisory level, and then workers. Actually, this is the hierarchy in any business organization. इसी हिसाब से आप देखें तो आपके घर में भी एक हायरार्की है, आपके पिता, उनके पिता अथवा आपके बाबा, पिता, आप और आपके नीचे लोग, आप भी देखें वहाँ भी एक हायरार्की है. इसी प्रकार प्रत्येक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ भी एक हायरार्की है और मैनेजमेंट के वेरियस लेवल्स वहाँ मिलते हैं. अमंग द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, administration is very important, but in the lower level, where the people are non-technical, not much skilled, then management is required, because management is both science and art. In this sequence, writers like William Newman, Harold Dalton, Macfarlane, Ernest did hardly maintain the distinction between the two terms. Any attempt to stretch the matter too far may be self-defeating and thoroughly misleading the compartment. Alization hardly serves any useful purpose. The management process is the same in all organizations, and there is hardly any need to appoint two individuals to discharge the administrative and managerial functions, a manager, or for that matter, an administrator, has to wear both the hats gracefully in order to be effective and successful. बिल्कुल साफ इन लेखकों ने कर दिया है कि कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करें. एक कुशल प्रबंधक ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, अगर उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, विजन मिशन क्लियर हो, प्रोसेसेस क्लियर हो और एक सफल मैन पावर उसके पास है, तो एक कुशल मैनेजर ही एक कुशल प्रशासक हो सकता है. इसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में, आपने देखा पोस्टकॉर्ब, फिर आपने समझा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो इन राइटरों ने जो कहा कि एक ही व्यक्ति दोनों काम कर सकता है, इसका मतलब वो व्यक्ति कौन होगा हमारा? वो व्यक्ति हमारा मैनेजर एग्जीक्यूटिव होगा, जिसे टॉप मैनेजमेंट लाएगा, रिक्रूट करेगा, और उसकी जिम्मेदारी अपने विभाग की होगी या अपनी यूनिट की होगी या अपने डिपार्टमेंट की होगी. वो व्यक्ति कौन कहलाएगा? उस व्यक्ति को हम कैसे समझेंगे? उसको हम कहेंगे मैनेजर. तो बिफोर आई स्टार्ट स्किल्स ऑफ अ मैनेजर, मुझे लगता है हम लोगों को ये समझना चाहिए कि मैनेजर क्या होता है, क्योंकि मैनेजर शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है. सो बिफोर आई स्टार्ट द स्किल्स ऑफ मैनेजर, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फर्स्ट हु इज मैनेजर. मैनेजर कौन होता है? प्रायः आप देखें अक्सर लोग ये कह देते हैं कि अरे ये तो बड़े अच्छे मैनेजर हैं, फला इज अ गुड मैनेजर. कुछ किन्हीं कामों को अच्छे ढंग से हम करके आते हैं तो हमें ये एक संज्ञा मिलती है, ये एक विशेषण मिलता है कि अरे ये बहुत अच्छे मैनेजर हैं. इसका मतलब क्या हुआ? ये अच्छे मैनेजर हैं मीन्स ही परफॉर्म्स वेरी वेल ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ही कंप्लीटेड द प्रोसेस, प्रोसेस मीन द पोस्ट कॉर्प, very effectively, efficiently and controllable environment he performed the post-corp. So that's why he is a good manager. So who's manager? Someone who coordinates and oversees
the working of other people so that organizational goals can be accomplished. Total mamla to yahi hai. Kisi bhi tarah organization ke objective nirdharit samay mein ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के साथ पूरे होने चाहिए, ऐसी धारणा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है। लेकिन अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ क्या है, वहाँ भी उद्देश्य तो पूरे होने चाहिए लेकिन वहाँ प्रॉफिट की बात नहीं बताई गई है। सो वी कैन से समवन हु कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज द वर्किंग ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे के कार्यों को देख सके, देख रेख कर सके, उनके कार्यों में समन्वय कर सके, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, क्यों हमारे संगठन के उद्देश्य पूरे हो जाएं, वही व्यक्ति मैनेजर है। पुराने जमाने में जब MBA डिग्री नहीं होती थी तो क्या लोग मैनेजर नहीं होते थे? होते थे, लेकिन तब साइंस कम था, आर्टिकुलेशन ज़्यादा था, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ा कि MBA या मैनेजमेंट क्या है, साइंस है कि आर्ट है। और आज देखें तो साइंस का पक्ष बढ़ गया है, आर्ट का पक्ष कम हो गया है, 80-20 में हम आ गए हैं। अब मैनेजर एक अच्छा व्यक्ति होगा, उसकी स्किल्स होंगी, लेकिन ये अपने इंडस्ट्रीज में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं मैनेजमेंट की। फ्रंट लाइन मैनेजर्स, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको नंबर वन टॉप मैनेजर्स हैं, नंबर टू मिडिल मैनेजर्स हैं, नंबर थ्री फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, और नीचे नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज हैं, एक्चुअली जो परफॉर्म करते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं या जो फील्ड में काम करते हैं, बहुत कम सैलरी पाते हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, बहुत कुछ उनके कंधों पर निर्भर करता है, नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज। तो हम नीचे से चलते हैं, सबसे पहले नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज होते हैं जो जिनके पास रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे छोटे रोल और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके पास होती हैं। ये डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं सीरियल नंबर तीन पे, फ्रंट लाइन मैनेजर्स इनको डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, इनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखते हैं, मैनेज परफॉर्मेंस, इनकरेज, मॉनिटर एंड रिवॉर्ड, ट्रेनिंग, डिटेल्ड शेड्यूल एंड ऑपरेटिंग प्लान्स। ये फ्रंट लाइन मैनेजर्स के काम हैं नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज के लिए। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर चले, मिडिल मैनेजर्स आपको दिख रहे हैं। मिडिल मैनेजर्स क्या करते हैं? ये जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं ये इनके कंट्रोल में होते हैं। इनका काम है प्लान एंड एलोकेट द रिसोर्सेस। फ्रंट लाइन मैनेजर्स जिन भी रिसोर्सेस की मांग करेंगे उनको उपलब्ध कराने का काम मिडिल मैनेजर्स का है। सपोज हम एक मॉल चला रहे हैं तो मॉल में काउंटर पे एक्सक्यूटिव्स हैं हमारे या नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज़ हैं जो सेल का काम कर रहे हैं, और फ्रंट लाइन मैनेजर यूनिट वाइज बैठे हुए हैं। अब फ्रंट लाइन मैनेजर को एक स्वैपिंग मशीन, कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वैपिंग मशीन की आवश्यकता है, तो फ्रंट लाइन मैनेजर सीधे बाजार जाके या किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं करेंगे वो स्वैपिंग मशीन, वो अपने मिडिल मैनेजर को अपनी डिमांड रखेंगे कि हमें इस कार्य के लिए ये स्वैपिंग मशीन की आवश्यकता है। तो ये वर्क होगा हमारे मिडिल मैनेजर्स का, जो जो भी डिमांड किए गए रिसोर्स हैं उनकी इफ़ेक्टिव टाइम के साथ उनको संबंधित को प्रदान करा देना। सो द मेन वर्क ऑफ मिडिल मैनेजर्स आर प्लान एंड एलोकेट रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेट एंड लिंक ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स, मॉनिटर एंड मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ फ्रंट लाइन मैनेजर्स। फ्रंट लाइन मैनेजर्स, आप में से जो भी मेडिकल से जुड़ा होगा, उनका एक बड़ा अच्छा शब्द है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सो हु आर द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर द पर्सन हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल द मेडिसिन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मेडिकल MR आर द फ्रंट लाइन मैनेजर्स। इनके ऊपर कौन होते हैं? इनके ऊपर होते हैं ASM एरिया सेल्स मैनेजर्स एंड RSM रीजनल सेल्स मैनेजर्स। दे बोथ आर मिडिल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, जिनका काम है फ्रंट लाइन मैनेजर्स को रिसोर्सेज का एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन एसेट्रा एसेट्रा करना। और इन सब के ऊपर जो आते हैं वो टॉप मैनेजर्स आते हैं। टॉप मैनेजर्स या तो मालिक होते हैं, अगर हम पोस्ट का नाम लें तो जनरल मैनेजर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, CEO होते हैं, मालिकान होते हैं, ओनर ऑफ
दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनका काम होता है विजन, उस ऑर्गेनाइजेशन का विजन बनाना, मिशन बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, इन तीनों के अनुसार एक पॉलिसी का निर्धारण करना, मे बी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मे बी शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एक कल्चर का निर्धारण करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आपने देखा होगा कि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्रेस कोड फिक्स कर दिया जाता है कि आपको यही ड्रेस पहन के आना है। तो ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड एक्चुअली रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। दे ऑल्सो ट्राई टू मेक सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू मेक द कमिटमेंट फ्रॉम द फ्रॉम वर्कर्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्कर्स। एंड लास्ट, इट्स देयर ड्यूटी, द टॉप मैनेजमेंट्स ड्यूटी टू क्रिएट द पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर देयर एम्प्लॉयज। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ मैनेजर्स। अगर हम ऊपर से बात करें नंबर वन से, टॉप मैनेजर्स, देन मिडिल मैनेजर्स, देन फ्रंट लाइन मैनेजर्स, देन नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज। अब हमें ये जानने की आवश्यकता होनी चाहिए कि ये मैनेजर, ये लोग होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, स्किल्स, ये मैनेज कैसे करते हैं, क्या गुण इनके पास होने चाहिए, क्या स्किल्स इनके पास होने चाहिए जिससे ये इफेक्टिव मैनेजर कहलाते हैं, और इनकी डिमांड हमारे बिजनेस वर्ल्ड में बढ़ती ही चली जाती है। उसी कड़ी में आप भी यहाँ पे हैं जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहे हैं, जिसकी सहायता से आप ये जान पाएं कि क्या स्किल्स होनी चाहिए एक कुशल मैनेजर में। देखिए, ये वन बाई वन ये स्किल्स बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ स्किल्स को यहाँ उनके एनालिस्ट के साथ आपके लिए इंडेक्सिंग किया हुआ है, तो आपको पढ़ के और समझ के, आपके ही शब्दों में है, बहुत सरल है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक मैनेजर को कुशल कैसे बनाते हैं, क्या स्किल्स है जो उसको सक्सेस बनाती है। इन द ऑर्गेनाइजेशन, जॉब ऑफ ए मैनेजर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर जॉब्स, इंटायरली डिफरेंट। मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, मैंने आपको पहले ही बताया। इट रिक्वायर्स लीडरशिप एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स पर्पस। इट इन्वॉल्व्स द ऑब्लिगेशन टू मेक प्रूडेंट यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। इट रिक्वायर्स रेशनल जजमेंट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स वर्किंग सिचुएशंस। फर्दर, द नेचर ऑफ द जॉब बिकम्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एट ईच हायर लेवल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डे टू डे बिजनेस। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर एट ईच लेवल अ मैनेजर हैज टू हैव इंक्रीज नॉलेज, ब्रॉडर प्रॉस्पेक्टिव टूवर्ड्स अपर लेवल ऑफ हायरार्की एंड द लोअर लेवल्स ऑफ देयर वर्कर्स एंड ग्रेटर स्किल्स। लेट्स describes and understand various skills of a manager one by one, so that you can clearly conceptualize the work and skills of manager in the indexing of skilling. Number one skill is planning skills. Planning means making plan for the future work. Planning is the foremost and major functions of a manager. Thinking and preparing an outline of work before starting any work is the prime role of a manager. In simple words, what is to be done in future to achieve the predetermined goals, how it is to be done, when it is to be done, and who has to do it. It represents the rational thinking of a manager. Hence, for a manager, planning skills will include the following: planning yojana, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। मैं भी आपके सामने अगर हूँ तो एक प्लानिंग के तहत ही आया हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, कितना हिस्सा पढ़ाना है। तो एक मैनेजर के लिए भी इसी प्रकार से प्लानिंग स्किल पहली आवश्यकता है उसकी सफलता की, क्योंकि उसकी सफलता पे ही ऑर्गेनाइजेशन की सफलता निर्भर करती है। अगर उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे तो सफल नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव बना लें, अगर प्लानिंग फूल प्रूफ नहीं होगी तो आपकी कंट्रोलिंग भी फूल प्रूफ नहीं होगी, शेड्यूल सारा बिगड़ जाएगा। हेंस फॉर मैनेजर, प्लानिंग स्किल्स विल इंक्लूड द फॉलोइंग: डिटरमिनिंग द फर्म्स ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग एजम्पशंस, एबिलिटी टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स, एबिलिटी टू डिटरमिन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन,
ability to evaluate the alternative courses and selecting the right type of action, ability to formulate alternative plans to support the basic plan, and ability to numbering plans by budgeting. ये number एक skill है जो कि आपकी सफलता के लिए कहीं भी जरूरी है. With growing complexity in the operation of large organizations, managers are expected to acquire skills to interact with intermediate planning system such as information and computer technology. If you talk about the another very important skills, that is organizing skills. Kya hai ye organizing? Planning is concerned with where to go, kahan jana hai, while organizing is the vehicle used to get there. Humko kya karna hai, kis madhyam se karna hai, that is organizing. So planning is concerned with where to go, while organizing is the vehicle used to get there. Organizing is the process by which the structure and allocation of jobs are determined. To organize a business is to provide it with everything useful to its functioning, raw materials, tools, capitals, personnel. Organizing provides the formal structure through which work is defined, subdivided, and coordinated. Hence, for a manager, organizing skills will include the following: being able to identify and analyze the activities to create departments, activities to create cells, group of similar activities, being able to assign work and then activate various groups and departments towards achievement of the goals, being able to define and delegate the responsibility and authority on the basis of rules and regulation of the organization, being able to establish relationship among all individual jobs. Next very important skill is directing. Agar aap bahut dhyan se dekhen to jo hum post corp management process pad rahe the, planning karna hai, organizing karna hai, staffing karna hai, wahi se ye skills ka part bhi aaya hai ki hum ek effective management mein post corp karenge. तो वो इफेक्टिव मैनेजमेंट कौन करेगा? वो इफेक्टिव मैनेजमेंट हमारा मैनेजर करेगा. तो मैनेजर में क्या गुण होने चाहिए? तो मैनेजर में यही गुण होने चाहिए, प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के एंड डायरेक्टिंग के. ये तीन महत्वपूर्ण गुण हैं. आइए देखें तीसरे नंबर का, डायरेक्टिंग स्किल्स ऑफ अ मैनेजर. अनदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग. दिस इज ऑल्सो टर्म एज लीडिंग. While planning explain us what to do and organizing explain us how to do, directing explain us why the employee should want to do it. Kyun karna chahiye employees ko? Directing is concerned with guiding and leading people. It consists of supervising and motivating the subordinates towards the achievement of set goals. Kabhi kabhi motivation jo shabd hai, prerana, एम्प्लॉय क्यों काम करें, किस लिए काम करें, केवल सैलरी ही उनके लिए पर्याप्त नहीं होती, उनको बताना पड़ता है. फ्रंटलाइन मैनेजर्स उनको बताते हैं कि आप इसलिए आपका काम करना ज़रूरी है, अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन इन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका परिवार भी चलेगा. बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास ऐसा देख सकते हैं कि हमारे बड़े कई बार हमें मोटिवेट करते हैं. हम डे टू डे सारे काम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है. इसलिए डायरेक्टिंग स्किल्स के अंतर्गत ही मोटिवेशन को रखा गया है. वंस अगेन, इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स. इट इंटेल्स इंटरप्राइज इम्पर्सनल रिलेशंस. डायरेक्शन इंडिकेट्स एक्शन एंड पुट्स द इंटरप्राइज into motion. Hence, for a manager, directing skills will include the following. Number one, being able to exchange ideas and information in order to create mutual understanding. Being able to issue orders and instructions to the subordinates.
being able to inspire employees to work with zeal, being able to oversee subordinates at workplace with a view to guide and regulate their efforts, and being able to influence people to accomplish set tasks and achieve goals. आज के लेक्चर में मैंने आपको मैनेजर बताया, स्किल्स बताया, आपका मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया, मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में हमारी बात हुई, मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमारी बात हुई, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स ऑफ मैनेजर में जो तीन महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, प्लानिंग की, डायरेक्टिंग की, और इसके पूर्व जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, ये जो नंबर टू पे हमने रखा है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, इन तीन स्किल्स के बारे में हमने बात की। आगे के स्किल्स को हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।